प्रिय स्टूडेंट्स इस मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल अब यू गोइंग टू स्टार्ट विद दी इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर सो चैप्टर के जो बीच-बीच में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उनको एड्रेस करते हैं बाय सबसे पहले पेज नंबर 27 28 पे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन �

इक्वल रहेगा जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या चीजों ने रिएक्ट किया सोडियम कार्बोनेट कितना सोडियम कार्बोनेट लिया था 5.3 ग्राम प्लस किसके साथ रिएक्शन कराया 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इसके बाद हमें मिला सोडियम कहा गया 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला सो so 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला 0.9 ग्राम वाटर मिला हमें एंड और क्या मिला 8.2 ग्राम सोडियम एथोनेट मिला ठीक है 8.2. पॉइंट so, टू सो हम इसको प्लस करते हैं ये आ जाएगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये आ गया इलेवन पॉइंट थ्री ग्राम सो यहाँ पे देखा हमने कि जिन चीज़ों का रिएक्शन कराया वो इलेवन पॉइंट थ्री थे सो so, जो चीज़ें हमें मिली जब वो उनको प्लस करते हैं नाइन टेन इलेवन 12, थर्टीन ये हो जाएगा थर्टीन और ये ऊपर वन एट नाइन टेन इलेवन सो ये आ गया इलेवन पॉइंट थ्री ग्राम्स so, आप देख सकते हो यहाँ पे भी इलेवन पॉइंट थ्री ग्राम्स है इधर भी इलेवन पॉइंट थ्री ग्राम्स है तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय जितना मास यहाँ था उस रिएक्शन के बाद वहाँ पे भी उतना ही मास है ठीक है समझ में आ गया बेटा चलो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन टू है इसी पेज पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियोन इज टू एट तो हमने देखा है भाई के रेशियो में कंबाइन होते हैं बाय मास टू फॉर्म वाटर व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर टू रिएक्ट कंप्लीटली विद थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस तो जब हम लिखते हैं वन इज टू एट तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है एंड एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है सो so, ऐसे लिखती हूं मैं इसको वन ग्राम हाइड्रोजन का है इसको क्या हो गया भाई सो वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है अब इस केस में अब वो कह रहे हैं अगर हम थ्री ग्राम की बात करें सो so भाई ये जब इंटू थ्री हुआ है तो एट ग्राम भी इंटू थ्री हो जाएगा हमारा सो एट इंटू थ्री करेंगे क्या होगा एट थ्री झा 24. तो so, भैया अगर आप 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस लोगे तो आपको 24 फोर ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगी ठीक है इस रेशियो के हिसाब से ओके okay, बच्चे चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन है विच पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटोमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सो हमने देखा था भाई थ्योरी में हमने छह पढ़े थे उसमें से कौन सा वाला है? Of of वाला है लॉ ऑफ ऑफ कंजर्वेशन मास सो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच केन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड भैया क्योंकि हमने उसमें बेसिकली ऐसे पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड यहाँ पे बोल रहे भाई एटम्स का अगर रिएक्शन करा रहे हो तो ऐसा नहीं कि बीच में से एटम कोई

प्रोपोर्शनेट वाला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनेट कह लो या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह लो सो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड एक और था द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड सो ये दो पोस्टुलेट है जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को बताते हैं ठीक है बच्चे चलो आगे बढ़ जाते हैं डिफाइन द पेज थर्टी पे आ गए हम डिफाइन द एटोमिक मास यूनिट अटोमिक मास यूनिट क्या होती है ये वो यूनिट होती है जिसमें हम अपने जो आइटम्स हैं उसको डिफाइन करते हैं कि ये इतने यूनिट का है ये इतने यूनिट का है तो उनकी यूनिट है और कैसे डिफाइन करते हैं हमने देखा था भाई ये कार्बन है और ये पता चल गया हमारा कार्बन 12u यू का है तो इस कार्बन के हमने 12 पीसेस कर दिए और एक जो हमारा पीस है ये अब हो गया वन यू का इसके कंपैरिजन हमने सारे एटॉमिक मासेस निकाल दिए सो कार्बन का जो वन टूवेल्थ है वो हमारा हो गया वन यू के इक्वल ठीक है अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे एन एटॉमिक मास यूनिट इज यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेट ऑफ एटम्स यहाँ पे लिख देना मासेस ऑफ एटम

क्वेश्चन नंबर वन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ अब इन सब के फॉर्मूला सीखने फॉर्मूला बनाना हम सीख क्या आए हैं सोडियम ऑक्साइड सोडियम क्या होता है बच्चे एन ऑक्साइड होता है ओ एन की वैलेंसी वन ऑक्साइड की वैलेंसी टू क्रिस क्रॉस कर दो जरा इनको ये हमारा हो जाएगा एन के साथ टू आ जाएगा एंड ओ के साथ वन आ जाएगा ठीक है बच्चे सो so, ये आ गया हमारे पास यहाँ लिख देती हूँ मैं एन ठीक है ना वन लिखने की जरूरत नहीं है आगे है सोडियम सल्फाइड सो सोडियम इज एन ए सल्फाइड इज एस एक सेकेंड थोड़ा दूर दूर लिखते हैं इसको एन ए की वैलेंसी वन एस की वैलेंसी टू क्रॉस कर दो एन ए के साथ टू आ गया बच्चे एस के साथ वन आएगा लिखने की जरूरत नहीं है तो ये हो गया एन ए टू एस देन एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम इज ए एल क्लोराइड इज सी एल एलुमिनियम की वैलेंसी थ्री क्लोराइड की वैलेंसी वन एंड क्रिस क्रॉस करेंगे सो so, ए के साथ तो वन आएगा लिखने की जरूरत नहीं सी के साथ थ्री आ जाएगा सो so, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड ठीक है बच्चे आगे चलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम इज एम जी हाइड्रोक्साइड इज ओ एच OH, मैगनीशियम की वैलेंसी टू हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी वन क्रॉस करोगे एम जी के साथ तो वन आ गया ओ OH एच के साथ टू आएगा ओ OH एच हमारा क्या है पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए वो ब्रैकेट में रहेगा सो so ये हो गया हमारा एम जी ओ एच टू ठीक है हमारे पास राइट डाउन द नेम ऑफ द द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग बाई अब आपको दे रखे आपको नाम लिख रही है तो और ज्यादा ईजी है ए एल टू एसओ फोर और ब्रैकेट भैया ए एल क्या होता है एलुमिनियम एंड अगर हम बात करें एसओ फोर की तो वो होता है सल्फेट ठीक है तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया CaCl2 Ca टू सी ए बच्चे कैल्शियम एंड होता है क्लोराइड सो कैल्शियम क्लोराइड उसके बाद है के टू के क्या होता है पोटेशियम एसओ फोर सल्फेट सो so ये हो गया पोटेशियम सल्फेट नेक्स्ट है हमारे पास के एनओ थ्री के क्या होता है बच्चे अगेन पोटेशियम एंड हमारे पास नाइट्रेट। नेक्स्ट थ्री क्या होता कैल्शियम कार्बोनेट सी इज कैल्शियम सो ये हमारा हो गया कैल्शियम एंड सीओ थ्री हमारा होता है कार्बोनेट सो so, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट ओके समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते हैं बेटा आगे हमारे पास क्वेश्चन फोर है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एच टू एस मॉलिक्यूल सो एच टू एस अब इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं बच्चे दो एटम है एंड एस का एक एटम है सो वील राइट हाइड्रोजन के दो एटम्स एंड सल्फर का एक एटम सो देर फोर टोटल थ्री एटम्स है जिसमें से दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम सल्फर का अब यहां पे बात करें पी ओ फोर एंड थ्री माइनस अब थ्री माइनस क्या है क्योंकि ये आई नहीं ये चार्ज है तो इसको नहीं कैलकुलेट करना हमें चार्ज नहीं बताना हमें एटम्स बताने तो फास्फोरस कितना है वन है सो वन एटम ऑफ फॉस्फोरस एंड फोर

कितना हो जाएगा वन प्लस वन टू हो जाएगा सो टू यू हो गया देन है हमारे पास ओ टू ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा मतलब थर्टी टू यू हो जाएगा ठीक है आगे देखो क्या है सी l2 अब क्लोरीन का क्या होता है cl प्लस cl है बच्चे तो इसका क्या होता है इसका होता है 35.5 प्लस 35.5 करेंगे अब 0.5 0.5 तो 1 हो गया एंड 35 35 70 होता है तो ये आ जाएगा 71 u आगे है हमारे पास co2 अब co2 की बात करेंगे तो एक कार्बन का है एंड दो ऑक्सीजन के हैं तो देखो जरा कार्बन क्या होता है बच्चे 12 प्लस ऑक्सीजन 16, एक और 16, तो 6, सिक्स टूल्थीन फोर्टीन सो यह फोर वन वन टू थ्री फोर सो आ गया 44 यू और CO2 के बाद है सी एच फोर यहीं पे कर लेते हैं सी एच फोर मतलब एक कार्बन का और चार हमारे पास किसके हैं बच्चे हाइड्रोजन के हैं सो so, ये हमारा हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन के चार मतलब वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन सो so, 12 13 14 15 16 सो so, ये आ गया 16 u ठीक है यहाँ तक क्लियर है ch4 तक हो गया हमारा यहाँ वाले देखते हैं जरा इसको साइड कर लेते हैं एंड ये हो जाएगा c2h6 अब देखो जरा c2 कार्बन के दो अरे कार्बन के दो हो गए बच्चे एंड हाइड्रोजन के सिक्स हैं तो ऐसे ही लिख लेते हैं ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ये तो कार्बन के हो गए और साथ में छः हाइड्रोजन के हैं सो ट्वेल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी 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 फाइव सिक्स नाइन थर्टी इसका आ जाएगा U. Next, क्या है है अगेन भाई C2 मतलब 12 plus 12 and H4 मतलब एक भैया का है, तो चार, चार के हो गए ट्वेल्ल ट्वेंटी एट सो आ गया ट्वेंटी एट यू आगे देखो क्या है एन एच थ्री सो एन एच थ्री एन मतलब नाइट्रोजन फोर्टीन बच्चे हाइड्रोजन के तीन मतलब थ्री हो गया सो फोर्टीन फिफ्टी सिक्स सो so, लास्ट पे लिख लेते हैं वी हैव सी एच थ्री ओ एच सो अच्छा भाई सी एच थ्री ओ एच जरा देखो कार्बन का कितना होता है बेटा ट्वेल्व होता है हाइड्रोजन के तीन है एक का वन होता है तीन के थ्री हो गए ऑक्सीजन सिक्सटीन हो गया हाइड्रोजन अगेन वन सो ये हो गया सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये हो जाएगा वन टू थ्री सो थर्टी टू यू हो गया ओके क्लियर समझ में आया अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मुला यूनिट मास निकालना है अगेन अब इसमें देखोगे आपको क्योंकि जिंक वगैरह नहीं था तो जिंक का दे रखा है सिक्सटी फाइव एन ए का तो आपने टेबल में याद कर लिया होगा पोटेशियम का दे रखा है थर्टी नाइन कार्बन का ट्वेल्व यू आपने टेबल में याद कर लिया होगा और इसका सिक्सटी तो ये दोनों भी याद कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा ज़रूरी नहीं है एग्जाम में लिखे हुए हैं सो so, जेड एन का होता है जिंक का होता है बेसिकली सिक्सटी फाइव एंड के का होता है थर्टी नाइन यू चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है जेड एन ओ सो यहाँ पे क्या है जिंक का देखोगे साथ में ऑक्सीजन का देखोगे जिंक का भी मैंने बताया 65 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये कितना हो गया 10, 11 एंड 6, 7, 8 सो so, ये आ गया 81 वन यू नेक्स्ट देखो बेटा एन ए टू ओ सो एन ए टू ओ अब देखो यहाँ पे एन ए के बच्चे हमें दो लेने हैं एन ए एक और एन ए और एक फिर हमारा ओ हो जाएगा ठीक है सो एन ए का यहाँ पे दे रखा है ट्वेंटी थ्री हमारे टेबल में भी था हो जाएगा ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस ऑक्सीजन का सिक्सटीन सो ये आ गया सिक्स एट नाइन टेन इलेवन 5, 6. So, आ गया 62 यू. आगे देखो और क्या दे रखा है के टू सी ओ थ्री के टू सी ओ थ्री के का हमारा होता है बेटा थर्टी नाइन लेकिन दो बार क्योंकि दो है ना के टू है सो so, ये थर्टी नाइन प्लस थर्टी नाइन कार्बन की बात करो सी का कितना होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का थ्री टाइम्स दे है सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन प्लसटीन प्लस सिक्सटीन प्लस कर दो भाई सबको प्लस ट्वेल्व एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन देन ट्वेंटी नाइन में नाइन प्लस करेगा थर्टी नाइन माइनस वन थर्टी एट सो ये आ गया एट एंड थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सो ये आ गया वन थर्टी एट यू ठीक है क्लियर आगे देखो के टू सी ओ थ्री हो गया हमारा उसके बाद बस और नहीं निकालने सो so, यही हमें निकालने थे, ये हो गया चलो इसी के साथ हमारी इंडेक्स क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं आई रियली गो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जितने ये मोलिकुलर मास निकालने वाले फॉर्मुला यूनिट मास निकालने वाले क्वेश्चन है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही गलतियां कम करोगे एंड उतने ही आपको अटोमिक मार्सेज याद भी होते रहेंगे ठीक है सो नाउ आई सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं बट इन दी नेक्स्ट सेशन सो एल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो बाय फॉर नाउ